सेवा संभव संस्थान ने किया महात्मा गांधी कुष्ठ आश्रम में भोजन व फल वितरण, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करने की संस्था की हर संभव कोशिश। आगरा रोड स्थित महात्मा गांधी कुष्ठ आश्रम में सेवा संभव संस्थान की ओर से संस्थापक पूनम यादव व उनकी टीम द्वारा भोजन व फल वितरण करने के लिए पहुंची। पूनम यादव ने लोगों से अपील की कि शादी पार्टी रेस्टोरेंट वे किसी भी फंक्शन का भोजन बचता है तो उनसे संपर्क करें, जिससे कि उस भोजन को ज़रूरतमंदों तक बांटा जा सके। देखिए, ये एक संस्था है सेवा संभव संस्था के नाम से। मुझे संस्था ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते हम लोग यहाँ आज आए हैं। और यहाँ पे कुष्ठ रोगी जो है वो अपने परिवारों के साथ रहते हैं, जिसमें बच्चे बुजुर्ग सभी शामिल हैं। उन लोगों के लिए भोजन का आज कार्यक्रम रखा है और फल का भी वितरण है। और इस संस्था का जो मेन मकसद है वो है कि जितनी भी सेवा हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे किसी भी तरीके की सेवा हो, उसे संभव करने का वो हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं। और मैं ये चाहूँगी कि सभी लोग उससे जुड़े भी, और किसी के पास अगर कपड़े पड़े हैं घर में तो वो इसे डोनेट करे, किसी के पास अनाज है, किसी के पास खाना बच जाता है, किसी रेस्टोरेंट में खाना बच जाता है, तो वो लोग डोनेट करे, यहाँ पे कॉल करे, संपर्क करे और हर सेवा को हम लोग संभव करने की कोशिश करें। मुहिम शुरू पहले हो चुकी थी, लेकिन ये हमारा अभी दूसरा तीसरा कार्यक्रम है। और हमारा मकसद ये है कि हम हर क्षेत्र में, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरीकरण हो, जहाँ पे भी आश्रम बने हुए हैं, चाहे वृद्ध आश्रम हो, चाहे बच्चों का हो, चाहे किसी भी तरीके का आश्रम हो, वहाँ पहुँच के उन्हें वो सेवा प्रदान करें जिसकी उन्हें ज़रूरत है। और लोगों से इस तरीके से वो लोग जुड़ेंगे भी और ज़्यादा से ज़्यादा वो आश्रम में सुविधाएँ पहुँचाने की कोशिश करें। क्या कुछ आपका मकसद इसमें रहेगा और क्या करेगा? देखो सर, मतलब सीन ये है कि हम लोगों को पता लगा कि जैसे यहाँ सेवा संभव संस्थान है, तो सर ने हमारी बातचीत हुई, हमने जो यहाँ इसमें जो काम किए जा रहे हैं तो उनका पता लगा। तो हम टोंक से है, बिलोंग टोंक से करते, काफ़ी दूर है यहाँ से, तो फिर भी हम लोग वहाँ से आए। जैसे हमें पता चला कि आज यहाँ भोजन वितरण का प्रोग्राम है, तो हम लोग यहाँ से आए और इस संस्था से जुड़ के हमें बहुत ही अच्छा लगा। तो भविष्य में अगर आगे भी कुछ ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम होते रहेंगे तो हम लोग आएंगे और हमारे से जो सेवा होगी हम लोग करने पे तत्पर रहेंगे। मेरा नाम दीपक मीणा है और मैं ग्राम विजयगढ़ से बिलोंग करता हूँ, टोंक डिस्ट्रिक्ट से। Thank you.